सी ओरेट्री डीज फोनेटिक्स सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हमारे ऑप्शन का मीनिंग देखेंगे सो ऑप्शन ए है हमारा त्वांग त्वांग मतलब होता है जब हम किसी वायर को टाइट पकड़कर उससे साउंड निकालते हैं तो जो साउंड निकलती है उसे हम कहते हैं त्वांग सो इसका क्या मतलब हुआ साउंड साउंड मेड बाय साउंड मेड बाय स्ट्रेचिंग साउंड मेड बाय स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग वायर भी बोल सकते हैं हम स्ट्रेचिंग वायर और हम बोल सकते हैं किसी स्ट्रिंग को जब हम स्ट्रेच करके उससे साउंड निकालते हैं तो वो भी हमारा होता है twang. और बी है हमारा ऑप्शन बी है रेजोनेंस रेजोनेंस का मतलब होता है जब हम किसी जैसे मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है जो साउंड हम इससे निकालेंगे इस वाली ऑब्जेक्ट से निकालेंगे और वो ही साउंड हम मान लीजिए इस वाली ऑब्जेक्ट से इस वाली ऑब्जेक्ट से निकाल दें तो उसे बोलते हैं हम रेजोनेंस मतलब कि जो साउंड इससे निकल रही है वो ही सेम साउंड हम इस वाली ऑब्जेक्ट से निकाल दें तो वो होता हमारा रेजोनेंस और ऑप्शन सी है हमारा ओरेटरी सो ओरेट्री होता हम हमारा आर्ट ऑफ आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग मतलब कि जो हमारे पब्लिक स्पीकर्स होते हैं मान लीजिए कोई नेता वगैरह सो so, जो उनके पास आर्ट होती है पब्लिक स्पीकिंग की हम उसे कहते हैं ऑरिट्री